What's up guys, it's Steven and welcome back to the channel. तो स्वागत है आपका Planet Crafter में. Guys, last time हमने काफी चीज अचीव कर ली थी, blue sky, clouds, rain और हमने jetpack भी बनाया था, लेकिन हम ice cave explore नहीं कर पाए थे. हमने shipwreck देखा था एक, लेकिन ice cave explore नहीं कर पाए थे. I hope कि जो ice है melt हो गई हो और हम अंदर से जो resource है collect कर सके. आज हम कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर बना पाएं और कुछ चीजें एक्सप्लोर कर पाएं. तो गाइस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स प्ले प्लैनेट क्राफ्टर. गाइस, ओ शिट गाइस, ओके. तो करंट स्टेज जो है वो रेन है और नेक्स्ट स्टेज है लिक्विड वाटर, जो ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट होने वाली है. तो बहुत जल्दी लिक्विड वाटर आने वाला है यहाँ पे. तो मैंने छोटा सा बेस बनाया था साइड में ही बायोडोम के, क्योंकि मुझे सोलर पैनल लगाने थे थोड़े से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी मुझे काफ़ी सारी. अब फटाफट एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें खुल चुकी हैं. कहाँ गया वो, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर T1, ये हमें बनाना है, और वाटर कलेक्टर, ताकि जब बारिश हो तो वाटर कलेक्ट हो सके, ये बनाना है हमें. और हम आइस केव एक्सप्लोर करेंगे आज. आई होप वो मेल्ट हो चुकी होगी, लास्ट एपिसोड में वो मेल्ट नहीं हो पाई थी. उसके बाद मैंने कई सारे हीटर लगाए, तो अब तो इतनी गर्मी हो गई होगी कि पसीने छूट रहे होंगे, तो मेरे छूट रहे हैं. ठीक है, लो भाई, आगे बाहर स्टॉर्म आ रहा भाई, बाहर पहली हवा गर्म हो गई है. कोई नहीं, अब तो बर्फ़ पिघल गई होगी. फटाफट बनाते हैं एक ऑक्सीजन और वाटर की बॉटल, बस हो गया. अब चलते हैं फटाफट बाहर. गाइस, अभी तो न्यूक्लियर रिएक्टर लगा भी नहीं कि एक्सट्रैक्टर खुल गया. ये क्या, ऐसा क्या चलेगा. हम चल रहे हैं पीछे. और हाँ, मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया था, तो कुछ जगह मुझे शिपरैक मिले थे जहाँ मैंने मार्कर लगा दिए हैं, ताकि हम वहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर सकें. लेकिन पहले काम है आइस केव्स देखना, क्योंकि उसके अंदर रेयर रिसोर्सेज होंगे जो हमारे काम आएंगे. और सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे पास जेट पैक है, तो स्पीड तेज है हमारी. ये आगे हमारा पुराना बेस और उधर है आइस केव. पानी की मात्रा कम हो रही है और खाने की मात्रा भी कम हो रही है. थोड़ा सा और कम हो जाए फिर लूँगा. गाइस, केव खुल चुकी है, दिख रही है ना. आखिरकार हीटर रंग लाए भाई. थोड़ा सा रह गया, ये ऑलमोस्ट पिघल ही गया. अब देखते हैं यहाँ क्या है. एक मिनट भाई, आइस तो पिघल गई है, केव तो लग नहीं रही. ये तो ऐसा लग रहा गेट बंद था और खुल गया. अरे अब ये क्या माज रहे भाई, ये क्या है, ग्रीन ग्रीन सल्फर, क्या है ये, ये मेरे लिए घातक तो नहीं है. प्लीज़ ये मत कहना कि अबे कोबाल्ट किसे चाहिए, ये तो वैसे ही मिल जाता है. इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी गेम. ओ तीरा, ये तो एलुमिनियम है यार. एलुमिनियम तो बाहर ही मिलता है, मुझे तो कुछ और चाहिए था. बस केव में यही रिसोर्सेज हैं. ये केव है भी, बस यहाँ पे बस हरा पाउडर छिड़क दिया है. ये तो यार क्या हो रहा है, एक के बाद एक पोपट हो रहा है. एलुमिनियम, इधर क्या है, सिलिकन. ये तो बहुत सिली बातें हैं भाई, ये तो कॉर्न जॉब है. सिली और कॉर्न दोनों हो गया इकट्ठे मेरे साथ. सिली बातें हैं और कॉर्न जॉब, कुछ नहीं है. हाइड्रेशन लो हो गई मेरी, ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, ले लेता हूँ. मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सल्फर मिल गया. ये ओ, ये कहीं सल्फर ही तो नहीं है एयर में, पता लगे मेरी जान को खतरा है. कोबाल्ट पर सल्फर बड़ा कम है यार. बायो, गाइस बायो लैब खुल गई, बनाऊ कैसे मैं, घंटा रिसोर्स नहीं मिल रहे यहाँ तो. ले दे के दो सल्फर, एलुमिनियम, इधर क्या है. तो यहाँ पे मोस्टली सल्फर है और एलुमिनियम है. सल्फर नहीं, वो भी बहुत कम मात्रा में, ये तो आइस है. अरे बाप रे बाप, ये क्या है भाई, रेगिस्तान वाला, वो क्या कहते हैं, वाटरफॉल जैसे होता है, ऐसी सैंड फॉल लग रहा है भाई ये तो. बाप रे बाप, यहाँ कुछ कोई रिसोर्स मिलेगा यहाँ पे अलग से, या सिर्फ वही सारे पुराने रिसोर्सेज हैं. मेरे को तो लग रहा है मैं इसके पार जा भी नहीं सकता भाई. देखते हैं क्या, एक तो चेस्ट दिख गई मुझे. आई होप चेस्ट में कुछ हो, चेस्ट गोल्डन भी नहीं है भाई, ये तो सब वही है. और कुछ अगर मैं इसे पार करूँगा तो क्या मिलेगा भाई, धुएं के पीछे क्या ही क्या. सुपर अलॉय, ओके ये अच्छी बात है, सुपर अलॉय मिल गया. और कुछ इधर देखते चल के, इधर कुछ है, ये क्या है, आइस. भाई इतनी गर्मी में आइस कहाँ से पड़ी हुई है भाई, कुछ सुपर अलॉय मिल रहा है बस. सुपर अलॉय, सुपर अलॉय, ओके तो मैं सुपर अलॉय मिल गया है. चलो कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो मिला. मैं उठाता हूँ आइस और कोबाल्ट, क्योंकि बेस पे जाके मैं थोड़ी ऑक्सीजन और वाटर और बना लूँगा.
ओके तो हमें फर्स्ट आइस केव से सिर्फ सल्फर मिली है भाई, और कुछ नहीं मिला, बाकी सिर्फ धोखा। मैं कंप्लेंट करूंगा मार्स अथॉरिटी से कि क्या मजाक है, हैं इतनी मेहनत करवाई मुझसे, इतने टाइम से मैं हीटर लगा रहा हूँ कि भाई कुछ पिघलेगा, लेकिन कुछ नहीं पिघला। मतलब पिघल गया लेकिन कुछ फायदा नहीं होना पिघलने का, ना पिघलने ऐसी बात ही है। सल्फर चलो इधर क्या है, यहाँ से बाहर आ जाएगा ना भाई। हाँ अबे ये तो खुल, अबे ये तो बहुत बड़ा भद्दा मजाक है भाई, ये तो ये कैसे, जब मैं यहाँ से अंदर घुस सकता था तो फिर फायदा क्या वहाँ पे आइस केव होने का, ये तो बेवकूफ़ बनती है यार। ए भाई 2 घंटे, अरे भाई अब प्लीज़, अब तो लगता है अब हो जाएगा शायद, अब खुलेगी अब आइस पिघलेगी, अब केव में घुसने का मौका मिलेगा, लेकिन है क्या, मजाक चल रहा है, पीछे बैक साइड में एंट्री है इतनी बड़ी, यही होता है इसलिए चोर प्रगति। गाइस साइन खुल गया है, मैं साइन तो मैं कह रहा था इसलिए चोर प्रगति करते हैं क्योंकि वो बैक डोर पे जाने की कोशिश करते हैं और हम बेवकूफ उधर है भाई, घंटी घंटी बजा के भाई गेट खोलो भाई गेट खोलो। अबे भैया पीछे से घुसो यार, ये मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत हीटर लगाने पड़े, तुम नहीं जानते मैंने लगाया ना, क्योंकि वो भी गर्मी में बौखला गया हूँ मैं। ओके आते करते काम बहुत बढ़िया, खाना है यहाँ पे, खाना बन गया होगा। अब एक आइस केव और बची जिसे जो मैं जानता हूँ कहाँ पे है वो, उसके अलावा मैंने कोई आइस केव अभी तक देखी नहीं है, बस अब उसी से उम्मीद है कि शायद कुछ रेयर रिसोर्सेज मिल जाएं ताकि हम कुछ बना सकें। बेस आ गया है, अब फटाफट से सामान रखते हैं, सामान के अंदर रखते हैं, कुछ बना ही लेते हैं गाइस, क्योंकि 2 जेटपैक का मैं क्या करूँगा। एक काम करते हैं पहले बनाते हैं रिएक्टर बनाते हैं पहले, अब रिएक्टर कहाँ बनाना है ये देखना पड़ेगा। मैं नीचे स्तर पर नहीं बनाना चाहता क्योंकि अगर यहाँ पर रिवर आ गई तो निचले इलाके जो सारे बह जाएंगे, तो वहाँ सामान रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो यहीं बनाते हैं, ठीक है ना, ये अपना बड़ा बेस होगा ख़तरनाक वाला। हमें चाहिए रिएक्टर, मुझे यूरेनियम रोड चाहिए, दो तो हैं तो क्या बात है, बाप रे बाप, व्हाट कुड गो रॉन्ग, मतलब ये बसुड़ी फैलाएगा, फटेगा तो नहीं, न्यूक्लियर है ना, क्योंकि ये डरा रहे हैं मुझे लग रहा है प्रगति कर रहा हूँ, मैं प्रगति करने चक्कर में। ओके ये बन गया, अब और भी कुछ नई चीज़ें खुली हैं जैसे कि वाटर कलेक्टर, ओर एक्सट्रैक्टर, ओके इसके लिए मुझे ऑस्मियम चाहिए और श्रेडर मशीन है, ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं, कुछ नया दिखाओ। ओ ये रहा बायोलैब ऑस्मियम, शिट यार उस आइस केव ने धोखा दे दिया मुझे, वहाँ कुछ मिल जाएगा, ये सही नहीं है। वाटर कलेक्टर के लिए मुझे चाहिए एल्युमिनियम आयरन, ये बनाते हैं पहले वाटर कलेक्टर, बारिश आएगी तो रखेंगे। क्या चाहिए था, एक तो कोबाल्ट चाहिए, आयरन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है हमारे पास, सिलिकॉन नहीं होगा क्योंकि बस अब क्या पूछूं, कोई ना कोई तो चीज़ होगी जो मेरे पे नहीं होगी, ऐसा हो सकता है कि सब कुछ मेरे पास हो। सिलिकॉन, कितनी सिली बात है, मेरे पास सिलिकॉन नहीं है, बताओ गली गली मिलता है, प्लीज़ एक सिलिकॉन दे दो, बच गया मैं, बहुत बड़ा है क्या, और ये तो बहुत बड़ा है, ये लगाते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ये पानी भर लेगा उसका होगा क्या। ओपन एटमोस्फेरिक वाटर कलेक्टर, ओ फुली क्वेंच योर थर्स्ट, ओके गाइस मुझे यहाँ तक लग रहा है ना कि इसे पानी भरेगा और हम उससे बोतलें बना पाएंगे, जो मुझे लग रहा है, या क्योंकि मेरे पे खाली बोतल तो है नहीं जो मैं इसमें रख दूँ, कुछ ना कुछ तो होगा, अब देखते हैं जब बारिश आएगी तब पता चलेगा। तो अब हमें चाहिए ऑस्मियम, तभी बायोलैब बन पाएगी, लेकिन उससे पहले गाइस उससे पहले मेरा मल्टी कंप्यूटर किधर है, ये रहा, तो मेरे पास कुछ माइक्रोचिप थी, सोच रहा हूँ उसे पहले अनलॉक कर लूँ, ये ब्लूप्रिंट वाली हैं, काफ़ी जमा हो गई थी और अभी और भी दूसरे बेस में हैं, पर जितनी यहाँ पे पहले उसे हम अनलॉक कर लेते हैं। स्क्रीन मैपिंग खुला है, ओके एरिया लैम्प ये चाहिए था मुझे क्योंकि बाहर बत्ती जब मतलब जब रात हो जाती तो कुछ दिखता नहीं है, ये काम आएगा। GPS सैटेलाइट, गाइस सैटेलाइट खुल चुकी है, टॉर्च, ओके रोशनी और तेज हो जाएगी, मतलब पहले तुमने मुझे दिया एरिया के लिए लैम्प, फिर कहा कि ये ले बेटा छोटा सा टॉर्च और ये तो सैटेलाइट T2, अब टेबल कौन बनाएगा, यस बम्पर धमाका,
इतना रिसोर्स कहाँ से लाऊंगा मैं, इन्होंने क्या समझ रखा है मुझे। जेट पैक ओके, और कुछ है? बस खलास ख़त्म। अब चलते हैं दूसरी केव के पास, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे मैं शायद ऑस में मिल जाए, बाकी तो भगवान ही मालिक है। अब चलते हैं फटाफट से अपने बेस पे, जो कि हमारा दूसरा बेस था, यानी कि दूसरा एपिसोड, समझ रहे हो, वहाँ जाना है हमें। अब जेट पैक खुल चुके हैं, वर्जन 2 खुल चुका है उनका, और एजिलिटी बूट्स खुल चुके हैं, यानी कि स्टेमिना बढ़ जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी जेट पैक्स की। देखते हैं उसके लिए भी क्या चाहिए, अगर मेरे पास और रिसोर्सेज हुए तो बस मैं कमाल कर दूंगा। मुझे कोई और केव ढूंढनी पड़ेगी अगर इसमें मुझे कुछ और नहीं मिलता तो, एटलीस्ट ऑस में मिल जाए, क्योंकि ऑस में मुझे अब चाहिए, नहीं तो कुछ तो मिले जो लगे हाँ भाई कुछ था उसमें। ये पहले अंदर जाके ऑक्सीजन कंप्लीट कर लूँ मैं, जरा स्टेटस देख लें, ऑक्सीजन इतना है, हीट 572 हो चुकी है, प्रेशर भी काफ़ी है मेरे को भी है, बायोमास भी 986 ग्राम हो चुका है, अभी किलो भी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। ये एस्केप निकल चुकी है, मुझे कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है, देखते हैं वो क्या है, थोड़ी आइस है वहाँ पर भी, प्लीज़ कह दो ऑस्मियम है, ऑस्मियम ये हुई ना बात, ऑस्मियम आयरन। गाइस हम केव में आ चुके हैं, लेकिन केव अभी पूरी पिघली नहीं है, 572 के बाद भी, ओ ये ऑस्मियम का भंडार है भाई यहाँ पे। ये क्या है, सल्फर भी है, ओके यानी कि सल्फर वाली जगह पे ऑस्मियम हो सकता है, हो सकता है, मुझे दिखाना हो। ओके तो ये केव पूरी खुली नहीं है अभी, वक्त कितनी टेढ़ी लग रही है केव, मुझे उम्मीद थी कि शायद ऑस्मियम और मिल जाएगा, पर यहाँ तो सल्फर भी है यार, मतलब सल्फर ना मिलता कोई दिक्कत नहीं, अभी सल्फर की बारी आई नहीं है ना, मेरे को चाहिए ऑस्मियम, देखते हैं और है यहाँ पे कोई ऑस्मियम, सल्फर अभी यहाँ ये बंद है। स्टार्ट स्मेल्टिंग एट 5 UK, ओह तो उत्तराखंड जाना पड़ेगा मुझे अभी स्मेल्ट करने के लिए, वहाँ तो बर्फ़ पिघलती नहीं है, सब ठंडा ही है। चलो कम से कम कुछ दिया तो सही, आधा अधूरा ही सही, कुछ मिला तो सही, जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए थी उतनी नहीं मिली। अब एक काम करते हैं फटाफट से, बारिश हो रही है क्या? हाँ गाइस बारिश हो रही है, तो चलते पहले वापस कुछ चीज़ें बनाते हैं, देखते हैं ऑस्मियम से हम क्या क्या बना सकते हैं, उसके बाद बारिश हो रही है मैं भीग रहा, जुकाम हो जाएगा ठीक है, उसके बाद वो वहाँ जगह जाएंगे जहाँ मैंने मार्कर लगा रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे हैं रिसोर्सेज जो हमें चाहिए किसी भी हालत में। अरे बाप रे बाप गाइस, जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ रहा है ना 2 पॉइंट, वैसे वैसे बारिश तेज हो रही है, पहले इतनी बारिश नहीं हो रही थी, मज़ा आ गया भाई, धरती बना दी ऐसे मैंने, मतलब मार्स की कोई वैल्यू रही नहीं अब भाई, सब काले बादल आ गए हैं अब तो। अब देखते हैं बिजली कब कड़केगी मेरे सर के ऊपर, नहीं समझ रहे हो, अब देखते हैं उसमें वाटर कलेक्ट हुआ नहीं हुआ, अगर वो काम कर रहा है तो मैं एक और बना लूँगा ताकि पानी की भी दिक्कत ना हो। लेट मी चेक, यस यस ये एक और बनाते हैं गाइस, 3 वाटर बॉटल अंदर ही है, नहीं मुझे आइस की जरूरत नहीं है फिलहाल। बायोलैब कितनी बड़ी है ये ठीक है, अबे कहाँ है इसका मुंह, ओहो मुंह बनाना पड़े, ये तो गलत बात है यार, ये तो बताया नहीं कि प्रोडक्ट में है ही नहीं गेट, बताओ यार गेट ही नहीं दे रहे। अब मुझे गेट के लिए क्या चाहिए, आयरन टाइटेनियम और सिलिकन, और आई होप मुझे पता है पूरी बात कि मेरे पास सिलिकन नहीं होने वाला, ये शायद होगा जहाँ तक मुझे लगा, मैंने एक सिलिकन पकड़ा था भाई, आयरन टाइटेनियम तो है, अब चाहिए सिलिकन, मैं देख रहा हूँ सिलिकन की शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे, ये आयरन होगा पक्की बात है, ये भी आयरन होगा, अब तो आयरन ही आयरन मिलेगा, और कहीं है सिलिकन, ठीक है सिलिकन। अरे बायोलैब खुलती भी है ये, ऐसी होती है बायोलैब, पता लगे खुलती ना हो, चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ लगाते हैं, बढ़िया। ओ तेरी गाइस, बायोलैब इज हेयर, ये क्या है आग बबूले, तो बायोलैब के नाम पे मुझे मिली है 4 बत्ती और बीच में गुब्बारे, वो जो साबुन वाले आते हैं ना फुलाने वाले, वो फुग्गा फुलाने वाले ऐसा कुछ, वो उसमें क्या है, ओ ओ बायोलैब में बना सकता हूँ बैक्टीरिया सैंपल, गाइस लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पैदा होने वाले हैं, बायोप्लास्टिक नगट ओके, मेरे पास मशरूम है सिलिकन और ये ओके, फर्टिलाइज़र ओ खेती करने के लिए ओके, एक्सप्लोजिव पावर यानी कि सल्फर इरिडियम यानी कि आग लगाने के लिए, और म्यूटाजन, अब लग रहा सच में ही अर्थ है, हमने आग लगानी शुरू कर दी पहली। जेट पैक T2 यहाँ पे, ओ उसमें भी ऑस्मियम चाहिए, अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑस्मियम मुझे कहीं मिल नहीं रहा,
एक काम करते हैं, बनाते हैं ओर एक्सट्रैक्टर, इरिडियम रॉड, सुपर अलॉय और एल्युमिनियम। इरिडियम रॉड मेरे पास है, इरिडियम रॉड मिल गई। नहीं नहीं, जिस तरह का ये जगह, जिस तरह का ये है ना स्ट्रक्चर, वो यहाँ ठीक लगेगा मुझे लगता है। और एक्सट्रैक्टर, ओ आयरन, ओके। तो ये हर बार चेंज होगा लगता है मुझे डायनामिकली, कि आज आयरन कल ये, बहुत बढ़िया। गाइस लिक्विड वाटर आने वाला, तो शायद तुम लिक्विड वाटर आज देख ही लो, आज बाढ़ आ ही जाए, आज तो हो ही जाए। लेकिन वो जो मैंने मार्कर लगाया वो डूब ना जाए भाई। एरिया लैम्प लगा देता हूँ, एरिया लैम्प यहाँ पे लगाता हूँ, ये इतना सही है। ओ एलईडी लाइट है तो ओके। सबसे चलते हैं वहाँ, चलें वहीं चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। वहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है भाई, अब ऊपर चढ़ने का है तो पता नहीं, लेकिन मैंने एक एंट्रेंस देखी थी, देखते हैं वहाँ से हम कहाँ तक जा सकते हैं। बहुत जल्दी गाइस वाटर आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, देख लेना, बह ना जाऊँ मैं, ठीक है, किसी भी टाइम आता होगा भाई। ये रहा वो झूला, ठीक है। अब जो मैंने एंट्रेंस देखी थी वो ये रही, मैंने यहाँ पे मार्कर लगा रखा था ताकि मुझे याद रहे। देखते हैं अंदर क्या है। यूरेनियम अच्छी बात है, अभी रुक जाता हूँ मैं, फ्लावर पॉट मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। इधर एक और चेस्ट है, इसमें क्या है, एल्युमिनियम है, यूरेनियम ले लो, ये काम आएगा। इरिडियम की भी ज़रूरत नहीं हुई, इरिडियम बहुत पड़ा हुआ साइडों में। अब बचता है ये इलाका, यहाँ देखते हैं क्या है। माइक्रोचिप बहुत बढ़िया, एल्युमिनियम ले लो फिलहाल के लिए, वो तो जगह बड़ी है यार। इसमें है यूरेनियम दे दो, और भी फिलहाल कुछ मत दो। इधर कुछ है, ओ एक और माइक्रोचिप बहुत बढ़िया। ओ हीटर, सामान मेरे पास आ गया होगा, बढ़िया है, हीटर बनाने काम आएगा। ओ इधर मैसेज है एक, एक और माइक्रोचिप बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं मैसेज क्या है। आज है स्पेस वॉप गेट, और उन्होंने स्पेस वॉप गेट बनाया है, 2 साल लगे बनने में और हम इजीएल प्राइम सेक्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने मशीन ऑन करी सब खराब हो गया, सारी पावर चली गई, रिएक्टर सब बंद हो गए, सब टूट गए कुछ मिनट के अंदर। और स्पेसशिप जो थी वो भी हमने कोशिश करी फिक्स करने की, कुछ फिक्स नहीं हुआ, हम इसके पोर्ट से भाग गए और मैंने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, मैं अपने पोर्ट में जा रहा हूँ, वट आ वेस्ट, समझ नहीं आ रही क्या हुआ। 3034, अरे बाप रे बाप, और तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा। ओ ये रहा फ्यूजन रिएक्टर, इसके लिए मुझे फ्यूजन सेल चाहिए, वो मिल नहीं रहा कहीं भी, पता नहीं वो कहाँ है। तो एक फ्यूजन यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, ठीक है, 2 रिएक्टर मुझे मिल गए हैं, बहुत बढ़िया। तो ये क्यों जगह भाई, वो तो केव लग रही है भाई, कुछ है यहाँ पे। एक और चेस्ट है, चेस्ट में कुछ खास नहीं है, और ये बंद है, आज तो यार पोपट हो रहा था। ये क्या है, आयरन है। तो यहाँ हमें सिर्फ यूरेनियम मिला है और एक हमें फ्यूजन रिएक्टर मिला है, लेकिन मेरे पास फ्यूजन सेल नहीं है। बाहर आ जाते हैं, अब देखते हैं इधर कुछ है कि नहीं। अच्छा ये वही जगह जो टूटा होगा भाई, जो उन्होंने मशीन बनाई थी, 2 साल लगे थे बनाने में, ये इसको इसका कबाड़ा हुआ है। ओ बाप रे बाप, पर मुझे लग रहा है इसके अंदर जाने का कोई हिसाब है नहीं, ये सिर्फ एक मशीन है बस, कोई अंदर ऐसा नहीं कि स्पेसशिप हो, मुझे लग रहा है स्पेसशिप है। यहाँ कुछ नहीं तो वेंट्स हैं। चेस देखिए, चेस में क्या है, माइक्रोचिप ले लो और छोड़ो बाकी सब। इधर कुछ, इधर कुछ। तो बेसिकली हमें सुपर अलॉय चाहिए कुछ ही बनाने के लिए। बारिश शुरू हो गई है, ये देखना है कि ये बिन मौसम बारिश तो नहीं हो रही ना, पता लगे कि बाढ़ आ गई। इतनी बारिश नहीं चाहिए भाई, ये लिमिट में चाहिए। पानी आ चुका है, बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अंदर। गाइस 96% 97% होने वाला है, और लिक्विड वाटर भाई अब आने वाला है अपने पास। डिस्प्ले केस, ओके। अच्छा ये सिर्फ इसमें चीज़ें लेके आता है, वो खुलेंगी अपने हिसाब से ही, इसमें वो शायद ऐड हो जाती है जो मुझे लग रहा है। बेग लिविंग कंपार्टमेंट तो चाहिए था मुझे, मेरी बीवी आएंगी बच्चे आएंगे उनका क्या होगा भाई। मैप इंफॉर्मेशन, ओ अब हम मैप बना पाएंगे, रॉकेट भेजेंगे सैटेलाइट में, ओ रॉकेट भेजेंगे सैटेलाइट ऊपर स्पेस में, और फिर मिलेगा मैप, GPS, जेट पैक T3 तो बनानी भी यार, T3 पहले आ गया। ये आ गया है, एजिलिटी बूट्स भी आ गए हैं, बहुत कुछ बनाना है गाइस।
एजिलिटी बूट्स के लिए भी सुपर सुपर वाला तो चाहिए चाहिए मुझे लगता है। और कुछ तो ये आ गया। ओ गाइस बना ले, लिविंग कंपार्टमेंट बनाएंगे बाद में। जरा देखिए क्या स्टेटस है वाटर का, क्योंकि तो मैं देखना चाहता हूँ। 99 गाइस, लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। आई वाना सी, मैं बोर हो गया क्योंकि और कुछ देखने को है नहीं फिलहाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके लिक्विड वाटर आ गया, उसका क्या आएगा? लेक्स। क्या फर्क पड़ा लिक्विड वाटर से, कहाँ है पानी? अभी नदी लेक नहीं है, कुछ तो पानी आया होगा। कहाँ कहाँ आया पानी भाई, कुछ तो दिखाओ मुझे। ओ नॉट ओनली आयरन, अब तो ये एक और बनाना पड़ेगा भाई। और एक्सट्रैक्टर कहाँ गया वो, ये कहाँ है? और एक्सट्रैक्टर ये रहा। ऑस्मियम चाहिए ना, तभी तो प्रॉब्लम सारी ऑस्मियम की है। एक्सप्लोजिव पाउडर बना सकता हूँ मैं। अब एक काम करते हैं, चलते हैं दूसरी लोकेशन पर, ठीक है? जहाँ तक मुझे याद है, हाँ ये वो जगह है जहाँ पे, यहाँ पे पड़ा हुआ भंगार बहुत सारा, जहाँ तक मुझे याद है। ओ ये रहा, शिप मिल गई एक और, बढ़िया। तो यहाँ पे सिर्फ खाना है और शिप है, ठीक है? अपना ये भी पूरा हो गया। यहाँ तो कचरा पड़ा था पूरे इलाके का। अब चलते हैं वापस। एक और सैटेलाइट गाइस, ये भी मैंने मार्क कर रखी थी, देखते हैं इसमें क्या है, कुछ है भी कि नहीं। ओपन रैक्स, ओ फर्टिलाइजर। एक काम करते, पहले लेते हैं ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है? जगह खाली हो गई। अब लेते हैं फर्टिलाइजर, यूरेनियम, और सिर्फ माइक्रोचिप इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, यानी अभी भी मुझे अलॉय नहीं मिला एक के अलावा। ये तो दिक्कत होने वाली है भाई। माइक्रोचिप, पानी छोड़ो, बस इतना ही है इसमें। अरे यार, अच्छा कुछ भी करो एक ही चीज़ है भाई। रिकॉर्ड करते हैं और चिप। GPS सैटेलाइट 3, ये ब्लूप्रिंट मिला है मुझे, ठीक है? क्या हो गया? नो मोर ब्लू प्रिंट्स टू रिकॉर्ड नाउ। अच्छा अभी और कुछ है नहीं, ठीक है? बताओ मेरे पे एक्स्ट्रा हो गए क्या? सुपर अलॉय रॉड, अरे बाप रे बाप, सुपर अलॉय। अरे यार सुपर अलॉय मिल गया मुझे, लेकिन जगह खाली नहीं है। हटाओ इसे, इसे हटाओ, जो फालतू चीज़ें वो हटाओ। खाना बताओ, कुछ फालतू ही नहीं है। उठाओ सुपर अलॉय। जेट पैक के लिए ऑस्मियम चाहिए, ओके। और एजिलिटी बूट्स के लिए दो सुपर अलॉय और एक्सप्लोसिव पाउडर। बन गया बन गया बन गया, यहाँ जाओ और बनाओ ये। यस T3 बन चुके हैं, स्पीड हो गई अपनी तेज। यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सब बन चुका है, कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया। फर्स्ट में मेरे पे एक है शायद, ये रहा, फर्स्ट में आ गया, तैयार। अब देखते हैं स्पीड क्या है इसकी भाई, ये तो और फास्ट हो गया भाई, अब हम ज़्यादा दूर तो जा सकते हैं। तो गाइस ये थी प्लैनेट क्राफ्टर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए गेम बिट्स को, अगर आपने तक नहीं किया है तो थम्स अप द वीडियो। आपके कोई भी कमेंट्स या सुझाव है तो आप कमेंट्स में बढ़ा सकते हैं। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।